चलिए शुरू करते हैं ब्रेड पकौड़ा बनाना। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का जो बैटर है बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक मिक्सिंग बाउल ली है, उसमें हमने एक कप जो बेसन लिया है, बेसन वेट में 100 ग्राम है। और बेसन को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैशर से, ताकि कोई भी इसमें कोई गुठली ना हो। अब इसमें हल्का हल्का सा हम थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालेंगे, ताकि इसमें कोई भी लंग्स वगैरह ना पड़े। और बैटर हमने इस तरह का बनाना है कि ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो लीजिए, हमारा बेसन का बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो जब तक हमारा बेसन का बैटर सेट रेस्ट पर है, तो हम इसके लिए ब्रेड पकौड़ा के लिए हम इंस्टेंट चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 50 ग्राम जो है इमली ली है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस उसी टाइम इसको गर्म पानी में भिगो कर रख सकते हैं। इसके साथ ही हमने ली है 7 से 8 खजूर ली है। खजूर का हमने बीज जो है वो हटा दिया है। तो अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, और उसमें हम डालेंगे 6 खजूर, और साथ में ही जो हमने इमली का पल्प लिया है वो भी डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी खट्टी मीठी इमली और खजूर की इंस्टेंट चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे, और हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग के लिए हमने सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ली है, और जहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसको हमने बॉईल कर लिया है, और बॉईल करके हमने इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर से। इसमें बिल्कुल भी कोई भी आलू की गुठली जो है नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने आलू जो है मिक्सिंग बाउल में डाल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज है, जिसको हमने बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च ली है। मिर्च तीखी नहीं थी इसलिए मैंने 2 ली। अगर आपके पास तीखी मिर्च है तो आप 1 ही डालिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच जो है साबुत जीरा डाल रहे हैं यहाँ पर। 1/2 टीस्पून जहाँ पर हमने डाला है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जहाँ पर हमने डाले है काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून जहाँ पर हम डाल रहे हैं गरम मसाला। पकौड़ों को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए जहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून जहाँ पर हमने डाला है चाट मसाला, और थोड़ी खटाई लाने के लिए हम जहाँ पर डाले हैं 1/4 टीस्पून जहाँ पर हम डाले हैं आमचूर पाउडर, और जहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून जहाँ पर हम डाले हैं अजवाइन, इसको हाथों से क्रश कर डालेंगे, और 1/3 जहाँ पर हम डालेंगे हींग। जब भी आप पकौड़े बनाएं तो हींग जरूर डालें। अब जहाँ पर पकौड़ों को और भी थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए जहाँ पर हम डाल रहे हैं ऑर्गेनो हरी मेथी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है स्टफिंग में पकौड़ों की। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप जहाँ पर रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब स्टफिंग को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, हमारी ब्रेड पकौड़ा की स्टफिंग जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हमने चटनी भी बनाकर तैयार कर ली है, स्टफिंग भी तैयार है। तो अब हम बेसन का बैटर को देख लेते हैं। तो बेसन के बैटर को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होगा कि हमारे जो पकौड़े हैं बिल्कुल फ्लफी फ्लफी बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए, हमने बेसन के बैटर को लगातार 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फेंट लिया है, और कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। और जब एक तरीका और है, जब भी हम चम्मच के बैक साइड देखें तो देखिए लाइन बन रही है, इसका मतलब कि साडा बैटर जो है, हमारा जो बैटर है बनकर बिल्कुल रेडी है, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि नमक हम
ने पहले भी ही डाला है स्टफिंग में, इसलिए आप नमक ध्यान से डालें, 1/4 टीस्पून। यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला, वन फोर्थ टी स्पून यहाँ पर डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर, 1/4 यहाँ पर डालेंगे हम रेड चिल्ली पाउडर, जो तीखी वाली मिर्च है, और थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को बैटर में। तो लीजिए हमारा बैटर जो बनकर बिल्कुल तैयार है ब्रेड पकौड़े का। तो ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8 से 10 पीस जो है ब्रेड ली है, ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है। अब हम सबसे पहले 2 स्लाइस लेंगे ब्रेड के, उसके ऊपर लगाएंगे हम टमाटो केचप। मेरे पास छोटी वाली ब्रेड थी, मैंने छोटी ले ली, अगर आपके पास बड़ी है तो आप बड़ी ले सकते हैं। अच्छी तरह से हमने टमाटो केचप लगा लेनी है, क्योंकि बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होती है टमाटो केचप। अब दूसरी ओर लगाएंगे हम रेड चिली सॉस, सॉरी ग्रीन चिली सॉस लगाएंगे दूसरी स्लाइस पर। अब हम स्टफिंग लेंगे, फोक या चम्मच से आप जो है स्टफिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है, अच्छी तरह से हमने फैला देना है सभी तरफ। अब दूसरा पीस जो है हमने लिया वो उसके ऊपर रख देंगे। अब इनको हम सेंटर से कट लगा देंगे। और इसी तरह हमने सभी ब्रेड पकौड़ों की स्टफिंग कर रेडी कर लेनी है। तो लीजिए हमने सभी ब्रेड पकौड़ों की स्टफिंग कर ली है, तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। अब हम एक एक पीस लेंगे ब्रेड पकौड़े का, उसको बेसन में डिप करेंगे, जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है उसमें डिप करेंगे। बेसन की कोटिंग करनी है और जो एक्स्ट्रा बैटर है उसको हटा देना है, और एक एक करके पीस हमने जो है ऑयल में डालते जाना है। और अच्छी तरह से इनको गोल्डन कलर होने तक हमने फ्राई कर लेना है। देखिए हमारे ब्रेड पकौड़े जो है कितने फ्लफी बनकर तैयार हो रहे हैं। तो लीजिए हमारे ब्रेड पकौड़ा जो फ्राई हो चुके हैं, इनको हम बाहर निकाल लेंगे ऑयल से। इसी तरह हमने सभी पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। तो लीजिए हमारे सभी ब्रेड पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी है। और जो हमने खास इमली और खजूर की इंस्टेंट चटनी बनाई है उसके साथ हम सर्व कर रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको एक पकौड़ा तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने बढ़िया पकौड़े लग रहे हैं ब्रेड पकौड़े खास चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना आज की आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आवे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।